इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे में जब देश कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तब तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और बड़े शहरों से लेकर छोटे हिल स्टेशंस पर लोगों की जो भीड़ नजर आ रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और मजबूत हो रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक बड़ा बयान दिया। डॉक्टर पॉल का कहना है कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर देखने लगी है। इस वक्त हर दिन दुनिया भर में कोरोना के 3,90,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी लहर के दौरान हर रोज 9,00,000 तक केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने चेतावनी दी है कि देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, लोगों में मास्क ना पहनने की आदत दिख रही है, ये सब लापरवाही तीसरी लहर को आमंत्रण दे सकती है। दुनिया में थर्ड वेव दिखाई दे रही है, 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9,00,000 हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। और एक बार फिर जो क्राउडिंग हो रही है हिल स्टेशंस पे, बिना मास्क के क्राउड्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी एक क्लियर चेतावनी, क्लियर रिक्वेस्ट, अपील करी गई है कि ये ऐसा माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर वी के पॉल जो कह रहे हैं वो लोगों को अलर्ट करने वाला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रूस, फ्रांस, स्पेन के अलावा जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसका अंदाजा दुनिया के कई देशों में हर रोज सामने आ रहे नए केस की बढ़ती संख्या से लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 36,660 नए केस मिले हैं, जबकि रूस में 24,702, स्पेन में 44,000, इंडोनेशिया में 48,000, ईरान में 22,800, बांग्लादेश में 12,000, थाईलैंड में 9,000 नए केस आए। और अब इंडोनेशिया समझ लीजिए, इतना ही बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी जितना कि यूपी में है, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक यूपी जितने बड़े देश में अगर एक दिन में इतने ज्यादा केसेस आते हैं तो भारत में अगर शुरू हो जाए तो क्या होगा। दुनिया के कई देश तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। हमारे लिए राहत की बात यह है कि अपने देश में कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो खतरे की घंटे की तरह है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार चेतावनी दे रहा है कि लापरवाही गई तो अपने देश में भी कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन इस चेतावनी को जनता धत्ता बता रही है, यानी कि लोगों को इस पर कोई डर नहीं आता, लोग विश्वास क्यों नहीं करते भगवान ही जाने। लोगों में कोरोना का खौफ कम हो गया है, थर्ड वेव को मजाक में लोग लेने लगे हैं, लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। यही नहीं, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों के, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, आगरा, इसके अलावा देवास, कटरा, जम्मू, मनाली, सोलन, ये सारी तस्वीरें आपको क्या बताती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में भारी भीड़ जुट रही है, सैलानी पहुंच रहे हैं। इस लापरवाही की कई भारी कीमत हमें ना चुकानी पड़े, इसके लिए सरकार को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है, सरकार लोगों को भी अलर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल कोरोना के ऊपर चर्चा की, जिसमें पीएम मोदी ने एक बार फिर से हिल स्टेशन पर जो भीड़ दिख रही है उस पर भारी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, इसका तो पालन कर ही नहीं रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही पर स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब हम कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हम मौसम की तरह अपडेट दे रहे हैं। यहां हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेज ह्यूमन बींग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूस लड़ाई है। इससे जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी, यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। अब कोरोना के थर्ड वेव के खतरे के बीच देश में कोरोना का कप्पा वेरिएंट का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी कप्पा नया वेरिएंट सामने आ रहा है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अब देश में
कापा वेरिएंट के लगातार केस मिल रहे हैं। राजस्थान में तो कापा वेरिएंट के 11 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। इन 11 मरीजों में जयपुर और अलवर के 4-4, बाड़मेर में 2 और भीलवाड़ा से 1 मरीज मिला है। इससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 बच्चों में कापा वेरिएंट की पुष्टि की गई थी। त्रिपुरा में भी कापा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की तुलना में कापा वेरिएंट कम घातक है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया। कोरोना महामारी के चलते इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने, तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में कोरोना की वजह से हो रहे असर पर चर्चा की गई। इस बारे में जानकारों से भी राय ली गई, जिसके बाद कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से, जहां कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है और उसकी वजह है कोरोना की लगातार जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से नए वेरिएंट्स का पता लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक्सपर्ट से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने इसका ऐलान किया है। और जिस तरह से कुंभ के बाद बहुत सारे केसेस बढ़े थे, उसको देखते हुए पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार कोरोना के चलते एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को इजाज़त ना मिले। ये दूसरी बार है जब उत्तराखंड में कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। पिछले साल भी कोरोना की पहली लहर के दौरान कांवड़ यात्रा रद्द की गई थी। इस बार 25 जुलाई से शुरू होनी थी कांवड़ यात्रा, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों का जीवन उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। धामी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर हरिद्वार को महामारी का एपिसेंटर नहीं बनने देंगे। हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है। यूपी में कांवड़ यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा में कम से कम लोग शामिल हो। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टीम 9 को आदेश दिया है कि वो पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन कराएं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और किसी तरह की यात्रा से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अमरनाथ यात्रा और कांवड़ यात्रा को कैंसिल किया गया है। वहीं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का समर्थन किया। अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस, इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है, इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। गदरपुर में वेरिएंट मिला है अलग से, तो उसको देखते हुए तो और भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, धामी जी की सरकार ने, वो ठीक और उचित समय पर उठाया है। ओडिशा में भी कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि ओडिशा में कांवड़ियों और बोलबम भक्तों को सड़कों पर निकलने और धार्मिक स्थलों से जल लाने की इजाजत नहीं होगी। तो ओडिशा से भी यह खबर आ रही है कि वहां पर भी जो कांवड़ यात्रा होती है उसे रद्द कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो इसमें शामिल ना हो। और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ओडिशा की सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें, ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूर्वी भारत में भी, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां पर भी इस सावन के मौसम में लोग इसे जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को। और चाहे ओडिशा हो, ये पूरे इलाकों में लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।